हर हर महादेव। आप मुझे देख पा रहे हैं ठीक से? यस आई गेस। आवाज क्लियर है? पाइन कोन्स हिमाचल में क्योंकि इजीली अवेलेबल हैं, तो जब मैं मुंबई में थी तो बड़ी डिफिकल्टी होती थी इसे ऑब्टेन करने में। मार्केट से खरीदना पड़ता था, पॉट पोरी वगैरह में आया करता था, तो खरीद के और इस्तेमाल करते थे। बड़ा सोच समझ के एक एक लीफ को निकालने के लिए सोचना पड़ता था। अभी अबंडेंस में भगवान ने दिया है, यहाँ पे ऐसी सेज है, ये अबंडेंस में यहाँ है। जब मैं नोएडा में थी या मुंबई में भी थी तो हम लोग सेज स्टिक्स लाते थे खरीद के, और वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी तब, हमको इतना महंगी पड़ती थी, और यहाँ भगवान ने अबंडेंस में दे दिया। आंगन में ही लगा हुआ कितना सारा, तो ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड दैट वे एंड हम्बल्ड। यूनिवर्स को हमेशा धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए कि मुझे उन्होंने यहाँ पर रहने के लिए चुना और स्थान दिया, ताकि मैं यहाँ रहूं और एक्सप्लोर करूं, और लोगों को जो मुझे जानकारी मिले जड़ी बूटियों से संबंधित, स्पाइसेस से संबंधित या फ्लावर्स से संबंधित, वो मैं आप लोगों तक भी शेयर करूं। यानी हर्ब्स एंड स्पाइसेस का जो मैजिक है वो मैं आप लोगों से, ये ट्रेजर को मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो मुझे 1 साल हो जाएगा अब, मैं 27 सितंबर को यहाँ आई थी पिछले साल। तो जैसे ही हम लोग वैली में एंटर किए सुबह, रात को हमने जर्नी शुरू की नोएडा से, मैं और मेरी डॉटर, और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि माँ आप जब सुबह आपकी आंख खुलेगी तो आप हेवन में होंगे। और वो बिल्कुल सच था। मैंने जब सुबह 4 साढ़े 4 बजे, 4:30 5 बजे जो है यहाँ पर उजाला हो जाता है ऊपर पहाड़ों में, तो जब सुबह की ठंडी हवा जब वो टकराई और वैली में एंटर किया, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो फीलिंग को मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। दैट वॉज वेरी डिवाइन। मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम एप्पल के ट्रीज देख रही थी मेरे चारों तरफ हर जगह, क्योंकि वो सीजन था, इस समय एप्पल का सीजन होता है, तो जब मैं आई थी तो वो सीजन फुल सीजन में थे। तो जैसे ही मैं वैली में एंटर हुई, हर जगह एप्पल, और उसका जो अरोमा, फ्रेश एप्पल्स का अरोमा था, ओ माय गॉड। ये देखिए ये फ्रेश एप्पल्स हैं यहाँ के, ऑर्गेनिक एकदम, घर में, घर के पेड़ में उगे हुए, और इसका टेस्ट डिवाइन होता है। खैर यहाँ पे सारी चीजें एकदम, क्योंकि प्रकृति के गोद में है एकदम, और महादेव और भगवती का खुद का घर है ये, तो यहाँ पर उन चीजों में वो टेस्ट, डिवाइन टेस्ट होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो जब मैं एंटर हुई तो मैंने जैसे ही वो पेड़ देखने शुरू किए एप्पल के, मैंने कहा हाँ, इट वॉज ब्रेथ टेकिंग, लिटरली ब्रेथ टेकिंग। मैं आई वॉज, मेरी आंखें फटी हुई हैं, मुंह खुला हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। इट वॉज लाइक दैट, मतलब इट वॉज दैट डिवाइन। मतलब आई वॉज, मैं कभी मनाली नहीं आना चाहती थी उस टाइम जब मैं एंटर हुई, तो मैं भूल गई कि मैं कभी मनाली नहीं आना चाहती थी। खैर इसी तरह से जब मैं पहली बार, मेरा साक्षात्कार हुआ पाइन ट्री से, पापा ट्री से, तो मैंने आप सभी को कितनी बार मिलवाया, तो जब मेरा पाइन ट्री से फर्स्ट टाइम साक्षात्कार हुआ तो भी मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुई। मैं गई फर्स्ट टाइम जंगल में, पास के जंगल में एक्सप्लोर करने के लिए, पाइन कोन्स दिखे मुझे वहां पे, मैंने कहा बाप रे, यहाँ पे तो अबंडेंस में पाइन कोन्स पड़े हुए हैं, कोई लेके भी नहीं जाता इधर से। तो आई मीन्स मेरे माइंड में आई एम टॉकिंग, मैं जल्दी 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 उठा लेती हूँ, पता नहीं कोई और ले जाएगा, मिलेगा नहीं। लाइक ए स्मॉल किड आई वॉज,
मीन्स ऐसा था कि जैसे मैं अपने आप को कंट्रोल, वो जो एक बच्चा था ना वो एकदम बाहर आ गया था पहाड़ में आते ही। जैसे मेरा बचपन में वो सब पहाड़ वहाड़ राजस्थान के छूट गए थे, तो जैसे ही यहाँ मिले मुझे ऐसा लगा वो मेरा बच्चा बाहर आ गया। एंड मुझे वो दिख रहा है, हर जगह वो चीजें दिख रही है जो मुझे, जिनसे मैं कनेक्ट फील करती हूँ अपने आप को। पाइन कोन्स देखे थे मैंने, ओ माय गॉड ये तो अबंडेंस में है यहाँ पे। मैंने कहा जल्दी 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 जितने ले सकती हूँ ले लो, मीन्स कि कहीं खत्म ना हो जाए। तो जो मेरे साथ बच्ची गई थी हम, वो बेचारी वो मुझे देख रही है कि मैं कर क्या रही हूँ, बोल रही नहीं, वो बोलती खत्म नहीं होंगे यहाँ पे, हम पड़े ही रहते हैं। उनके लिए तब बहुत इजी था कहना यहाँ तो पड़े ही रहते हैं ये खत्म नहीं होते हैं। बट वो मुझे उस समय ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। मैंने नहीं, नहीं नहीं मुझे पाइन कोन्स चाहिए, पाइन कोन्स चाहिए। खैर पाइन कोन्स इतने इकट्ठे हो गए मेरे पास कि अब अबंडेंस में है। अब वो चीज मतलब भगवान ने जैसे भर दिया कर, ओके तुम वही हो, टेंशन मत लो, कहीं जाने वाली नहीं हो, इधर ही रहोगी तो टेंशन मत लो। अब यशोदा जी मेरे लिए, जब भी उनको पता है कि इस तरह की चीजें मुझे पसंद आती हैं, तो जब भी वो जंगल में जाती हैं कुछ अपने लिए करने ढूंढने, तो वो मेरे लिए बैग भर के, जहां से भी पाइन कोन्स मिलते हैं हमेशा बैग भर के ले आती हैं। रियली शी इज सच अ स्वीट लेडी। तो पाइन कोन्स के बारे में मैं ये आपको बताती कि पुराने समय में इसे आग जलाने के काम में लिया जाता था, और वो सिमिलैरिटीज मैंने यहाँ पे भी देखी। जब यहाँ पर एक लकड़ी होती है जिसे ये लोग कहते हैं सली, सली कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने बीच में आपको लास्ट ईयर बताया था कि सली और पालो सेंतो में ज्यादा फर्क नहीं है। ये हिमालयन जो सली होती है ये हिमालयन पालो सेंतो कह सकते हैं आप इसे। तो सली जो है और ये पाइन कोन्स, जब मेरी यहां पर बात हुई लोकल से, यशोदा जी ने भी बताया कि वो लोग तो इस फूल को जो है इसका जो चीड़ का ये जो फूल होता है ये जिसे हम पाइन कोन कहते हैं, ये पुराने समय में भी जलाने के काम आता था लकड़ियों को, और आज भी जलाने के काम आता है। उसका रीजन ये है कि इसमें गोंद जैसा एक सब्सट्रैक्ट होता है, ये देख रहे हैं आप इसके ऊपर गोंद चिपकी हुई है, जिसकी वजह ये येलो पार्ट आप देख रहे हैं, मैं आपको खुरच के दिखाती हूँ, और ये चिपक जाता है हाथों में, और इसकी एक भीनी भीनी खुशबू आती है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये देख रहे हैं गोंद है ये आप देख रहे हैं ये गोंद है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वुडी एंड स्पाइसी स्मेल है इसकी अरुमा, ओ माय गॉड, ओ वाओ, इट्स ये नेचुरल ये है तो वाओ। किसी आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं है, नेचुरल चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो सब्सटेंस है इसकी वजह से ये देर तक जलता है, ये ऑयली सब्सटेंस जो इसके अंदर रेजिन जो होता है इसका, वो इसे काफी देर तक जलाने में इसकी मदद करता है। तो जिसकी वजह से जो यहाँ की जैसे ठोस लकड़ियां होती हैं, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि मोर की एक लकड़ी यहाँ पर बोली जाती है, मोर उसे कहा जाता है, जो कि बहुत टफ होती है, जलाना उसे बहुत टफ होता है सूखी लकड़ी, क्योंकि बहुत हार्ड होती है और बहुत लंबे समय तक जलती है। तो उसको जलाने के लिए सल्ली और ये पाइन कोन्स बहुत हेल्प करते हैं जल्दी जला देने में, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का तेल वगैरह डाल के लकड़ी को नहीं जलाया जाता, सली से जलाया जाता है और या फिर पाइन कोन्स से जलाया जाता है। तो पुराने समय में क्योंकि ये पाइन कोन जो था ये फायर से जुड़ा हुआ था, क्योंकि फायर एलिमेंट को इग्नाइट मतलब एक्टिवेट करता था, एक्टिव करता था ये, तो इसको इसके लिए पाइन कोन्स को फायर से जोड़ा गया। लेकिन आज मॉडर्न अगर मैं प्रैक्टिशनर्स बोलूं तो वो इसे एयर से जोड़ते हैं, क्योंकि का अरोमा की वजह से इसको एयर से जोड़ा जाता है। तो मैं इसको दोनों एलिमेंट से जोड़ के देखती हूँ, फायर क्योंकि ये फायरी एलिमेंट है इसका, क्योंकि ये उसमें काम करता है, क्योंकि अरोमा साथ में है तो एरी, तो फायर एंड एयर बोथ एलिमेंट्स आते हैं इन दिस। इसका जो रेजिन का जो अरोमा है वो वुडी एंड स्पाइसी है। तो इसका जो एलिमेंट है वो मैंने आपको बताया, और आप कभी भी जब जंगलों में जाते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाए उस जंगल की जो स्पेशलिटी है, आपको ऐसा नहीं लगता कि यू फाउंड अ न्यू फ्रेंड? तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मुझे अब फिर से कुछ नया मिला, मतलब नए फ्रेंड्स बने। इंसानों को फ्रेंड्स बना के मुझे खुशी नहीं होती, लेकिन ये मेरे रियल फ्रेंड्स हैं। तो ये इट्स लाइक यू हैव फाउंड सम ब्लेसिंग एंड द ट्री ऑल्सो वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू,
द ट्री जहां से हमें ये चीज पेड़ मिलता है, तो ये हमें वो पेड़ हमसे कनेक्ट करना चाहता है, अपने फ्रूट्स को हमें देकर के वो किसी तरह से हमसे कनेक्शन क्रिएट कर लेता है। साइकिक कनेक्शन कह सकते हैं, फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, वाइब्रेशन कह सकते हैं, वो कैच कर लेता है। तो इस तरह से हम अपना कनेक्शन नेचर से डेवलप करते हैं। जैसे हमें ये मिल जाते हैं, हम लेकर आते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुली इन्हें यूज करते हैं, तो हमारा नेचर से कनेक्शन डेवलप होता है। प्लस बहुत सारे और भी इसके यूज हैं, क्योंकि मैजिकल यूजेज जो है, जो मैंने पहले भी लास्ट ईयर भी आपको बताए थे, मैजिकल यूजेज, मैं तो अपने घर में जो वाइपिंग के लिए भी यूज करते हैं हम, मॉपिंग के लिए भी यहाँ यूज करते हैं। जब मैं जब मैं नोएडा में थी, तो मैं पाइन का बहुत बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती थी। जो फ्लोर वॉश मंगवाती थी मैं, आप देख रहे हैं पाइन लिखा है, ये मेरा नोएडा का स्टॉक रखा हुआ है, तो मैं बड़ा एहतियात से इसको इस्तेमाल करती कि अरे ये खत्म नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, मिलता नहीं है जल्दी से पाइन का। फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ आई, तो मुझे इजीली ये पाइन का ये मिलने लगा। तो ये मेरे, और इसका भी अरोमा जो है इज वेरी डिवाइन। तो अब क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, उसका वीडियो मैं लास्ट ईयर भी डाली हूँ, लेकिन ये एक स्पेशल अलग से एक और वीडियो मैं बना रही हूँ। तो पाइन का काम होता है हमें प्रोटेक्शन देना, क्योंकि फायर एलिमेंट है इसके अंदर, तो फायर का काम होता है प्रोटेक्ट करना। आज से नहीं, एंशियंट टाइम से फायर ने हमें प्रोटेक्शन दिया है। आप अगर थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे कि फायर किस किस फॉर्म में हमें प्रोटेक्ट करती आई है, तो आपको समझ में आएगा। ये केवल हमारी जठराग्नि को शांत नहीं करती, बल्कि हमारे बाहर के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करता है फायर। तो इसने, इसके अंदर प्रोटेक्शन तो है। इसके साथ में अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर हैक्स हुआ है, या किसी ने स्पेल कर दिया है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव स्पिरिट्स हैं आपके आसपास में, यू मस्ट बर्न अ पाइन कोन। एक पाइन कोन आप जलाएं, या बिट बाय बिट, क्योंकि इसका ये तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसको आप तोड़ नहीं पाते हो बहुत अच्छे से, बहुत स्टर्डी है ये। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इस तरह से, एक एक फिर ये इस तरह से लीफ निकालते हैं। तो आप पाइन नीडल्स ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आपके ऊपर हैक्स हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, या आप नेगेटिव एनर्जी के शिकार हुए हैं, तो आप ये पाइन लीफ के साथ में पाइन नीडल्स, यानी कि पाइन के ऊपर जो लगे हुए, जो वो जो उनको नीडल्स कहा जाता है, बेसिकली वो उसके पत्ते ही होते हैं, लेकिन वो नीडल की शेप में होते हैं, तो वो नीडल्स आप जलाएं। इससे कुछ किया हुआ रिटर्न वापस चला जाता है, अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है तो वो रिटर्न हो जाता है। इसके अलावा आप पाइन ऑयल का इस्तेमाल करें घर के अंदर, जैसे रूम फ्रेशनर भी है, तो आप पाइन यूज कर सकते हैं, पाइन ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जला रही हूँ इसको, ये देख रहे हैं आप किसने अच्छे से इसको जरा सा लगाया और ये अच्छे से जल रहा है, ये जलता रहेगा अभी। तो ये प्रोटेक्शन का काम हमें करता है, प्लस इट अट्रैक्ट्स द वेल्थ। इसका अरोमा भी अब पूरे घर में फैल जाएगा, क्योंकि इसमें एयर एयर एलिमेंट भी आपने देख लिया, फायर भी देख लिया, दोनों साथ में आपने देखे। तो ये जो है प्रोटेक्शन आपको देता है, वेल्थ, एग्जॉर्सिज्म में ये काम आता है, फर्टिलिटी के लिए, अगर जो लोग चाहते हैं, जैसे जिनको फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का अर्थ लिटरल फर्टिलिटी से नहीं है यहाँ पर, इनफैक्ट न्यू आइडियाज को जन्म देने से भी है। लाइक मान लीजिए आपके पास आप सक्षम हैं किसी चीज को करने में, लेकिन आपके पास आइडियाज नहीं है कि आप उस चीज को किस तरह से करें, तो जिनको वो आइडियाज भी डेवलप करने हैं, क्रिएटिविटी के लिए अगर आपको ये चाहिए, गुड हेल्थ के लिए अगर आप बात करें, तो आप पाइन कोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको रात में बैड ड्रीम्स की शिकायत है या नाइटमेयर्स की शिकायत है, वो पाइन के तीन चार फ्लावर्स या पांच फ्लावर्स लेकर के इस तरह से ऐसे किसी कॉटन थ्रेड में, जैसे जूट का थ्रेड है, किसी भी कलर के जूट के थ्रेड से आप इसको बांध करके और अपने बेड हेड पे टांग दीजिए, या बेड के ऊपर वॉल पे टांग दीजिए, तो ड्रीम, वो एक तो नींद अच्छी आएगी, प्लस जो बैड ड्रीम्स हैं वो भी जो है आपसे दूर रहेंगे, प्लस घर की क्लेंजिंग का काम करता है, नेगेटिविटी को आपसे दूर रखता है, नेगेटिव स्पिरिट्स को आपसे दूर रखता है। अगर आप ये रेगुलर जलाते रहते हैं, तो जल्दी से आप किसी अटैक के शिकार नहीं होते। इसके अलावा आप इसको अपने मोबाइल
बाथरूम, जैसे मान लीजिए आपको अब लगता है कि आपकी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी स्पॉन्ज की तरह काम करती है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, कुछ नेगेटिविटी, यू फील डल, यू फील नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, यू फील अनइंथुजियास्टिक, तो उस समय पर आप पाइन ऑयल ले सकते हैं, या फिर चार पांच पानी पानी पा, सॉरी पाइन कोन्स आप रात को पानी में डाल के रख दें, और सुबह उस पानी से आप स्नान करें, तो वो जो अगर कुछ आपने नेगेटिव ऐसा कुछ अब्जॉर्ब किया है तो वो निकल जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जो है वो मैस्किलिन है। तो आप डेज भी उस तरह से यूज कीजिए जिसमें संडे मैस्किलिन है, ट्यूजडे मैस्किलिन है, थर्सडे मैस्किलिन है, आप इन 3 दिनों को इस्तेमाल कीजिए। इन 3 दिनों में ये स्नान संडे एंड ट्यूजडे में बेस्ट मानती हूँ इसके लिए, अगर आपको क्लेंजिंग करनी है संडे ट्यूजडे बेस्ट होते हैं, वैसे सैटरडे को भी क्लेंजिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। तो आप इसको पानी में रात को भिगोएं और उसी पानी से आप स्नान कर लें, और जो बचा हुआ है उससे आप घर की मॉपिंग कर दें, तो ओवरऑल क्लेंजिंग के लिए ये आपका काम करेगा। नेगेटिव थिंकिंग का अगर आपको प्रॉब्लम है, आप नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, मतलब आप नेगेटिव ज्यादा टाइम नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप नेगेटिव होते हैं आपकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, तो वो किसी और के लिए प्रॉब्लम बाद में क्रिएट करती है, लेकिन आपके लिए पहले क्रिएट कर देती है, क्योंकि आपकी ऑरा वहां से भेद वो भेद नेगेटिविटी वो ऑरा को वीक करती है, जो आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड होती है, तो आपकी नेगेटिविटी आपकी ग्रीड उस ऑरा को वीक करती है। तो आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अपने अपनी लाइफ में अपनी चीजों पर फोकस करेंगे, तो आपकी लाइफ बेटर और स्मूथ होगी। लेकिन अगर आप दूसरों की लाइफ में ताक झांक करते हैं, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, इनडायरेक्टली उनके ऊपर वॉच रखते हैं, या उनकी चीजों को, कई लोगों में ग्रीड होती है हथियाने की, दूसरों की चीजों को हथियाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आप प्रोटेक्शन अपने वहां पर प्रोटेक्ट रहिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। ऐसी ऐसे जो लोग होते हैं इनकी ऑरा बहुत वीक होती है, जो इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं वो अपनी ऑरा खुद वीक कर लेते हैं। तो बेस्ट है फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस अहेड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग हियर एंड देयर। घोड़े की तरह हो जाइए, एक जगह पे फोकस रहिए कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, आप और उसे किस तरह से अचीव किया जा सकता है, लेट्स फोकस ऑन दैट। और उसको वो नेगेटिव थिंकिंग, ताकि हमारे उस मिशन में हमारे आड़े ना आए, तो उसके लिए भी आप इस जब पानी से स्नान लेते हैं तो आपके थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाती है, बेसिकली ये कहना चाह रही हूं मैं। तो आप इसकी जो इसका जो ब्रांच होता है उसे झाड़ू, मतलब ये स्वीपिंग, लिटरल स्वीपिंग नहीं बोल रही हूँ, इसको साइकिक स्वीपिंग बोलते हैं, तो उसके लिए उससे आप झाड़ू बनाएं और उससे साइकिक स्वीपिंग करें कि आप घर से नेगेटिविटी को भगा रहे हैं, और जब वो पूरे घर में आप साइकिकली उस चीज से इसके जो ब्रांचेस होते हैं पाइन ट्री के, जो ब्रांचेस होते हैं सीडर जिसको बोलते हैं, सीडर के ब्रांचेस जो होते हैं वहां, उसके आप ये ले लीजिए ब्रांचेस, और उससे फिर आप साइकिक स्वीपिंग कीजिए कि आपके घर से नेगेटिविटी को आप रिलीज कर रहे हैं। जब आपके पूरे घर में वो आप कर दें, उसके बाद वो ब्रूम जो आप बनाते हैं इस साइकिक क्लेंजिंग के लिए उसको जला दें, फिर नया ब्रूम बनाएं जब भी आपको आवश्यकता है। तो इस तरह से आप इसका पाइन कोन का बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी के लिए आप इसको, मनी अट्रैक्शन के लिए, मनी स्पेल्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। इट अट्रैक्ट्स वेल्थ ऑल्सो, इट इट गिव्स यू प्रोटेक्शन, अट्रैक्ट्स वेल्थ, इट्स गुड फॉर फर्टिलिटी, क्लेंजिंग, एग्जॉर्सिज्म, हेक्सिंग, क्लेंजिंग एंड रिवर्सल मैजिक, इट्स गुड फॉर दैट। तो ये ध्यान रखिए। इसके साथ में अगर आप क्रिस्टल्स यूज करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास है कैथेड्रल, और ये अनटच्ड कैथेड्रल है, डायरेक्ट माइन से प्राप्त किया गया, तो इसको जो है आप अगर आप साथ में पाइन कोन के इस्तेमाल करते हैं तो ये एम्पलीफाई कर देता है इसको, और इस मतलब आप इसको कह सकते हैं कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास में हम कह सकते 10-फोल्ड हो जाता है, तो इट मैग्नीफाइज 10-फोल्ड्स। तो आप इसके साथ अगर वेल्थ के लिए अगर आप कर रहे हैं और प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो आप क्रिस्टल साथ में यूज कर सकते हैं, और आप डेली बेसिस पे भी आप छोटा क्रिस्टल भी ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको इतना बड़ा लेना है, आप छोटा पीस भी ले सकते हैं क्रिस्टल का।
और अपने घर में आप ये डेली इसकी एक लीफ जलाते रहिए, वन लीफ इज इनफ। जब आपके पास स्टॉक कम होता है तो एक एक तोड़ के जलाएंगे तो भी चलता है। तो एक क्या एक जलाइए, एक ही लीफ जलाइए। यहाँ पर किसी ने कुछ पूछा है, पुरानी बीमारी दूर करने का उपाय बताएं। आप डॉक्टर के पास जाएं, विजया भट्टाचार्य चार जी, आप डॉक्टर के पास जाएं, बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है। आप जो है घर में क्लेंजिंग के लिए आप ये यूज कीजिए, दवाई के साथ में प्रार्थनाएं। तो दवा साथ में कर रहे हैं तो प्रार्थना भी साथ में कीजिए, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। कई बार ऐसा होता है कि दवाई असर नहीं कर रही होती, लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रेयर्स करना शुरू करते हैं, तो फिर वो दवाई भी असर करने लगती है। और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना किसी भी सिचुएशन में सबसे बेस्ट इलाज है किसी भी चीज का। अगर आप किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं तो वो मुझे लगता है दैट कैन कंकर द वर्ल्ड। हाँ, महेंद्र गर्ग जी दुकान पर लगा सकते हैं, दुकान के बाहर आप लगा सकते हैं। ऐसे तीन, अगर आप वेल्थ के लिए लगाना चाहते हैं तो तीन लगाएं, क्योंकि तीन नंबर जो है गुरु का नंबर माना जाता है। तो तीन की संख्या में लगाएं, और इसके साथ कोई हरा स्टोन साथ में लगा दें अगर आप वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहें। हरा या पीला स्टोन, सुनहला ले सकते हैं या फिर ग्रीन जेड ले सकते हैं, उसके साथ में लगाएं। इससे आप जो है मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे काम के लिए, मतलब अच्छा है। तो आई होप कि ये आपको कुछ फायदा होगा। अगली बार मैं फिर से कुछ हिमाचली हिमालय की जो यहाँ पर इजीली अवेलेबल चीजें हैं उनमें से किसी एक और चीज के बारे में बताने की चेष्टा करूंगी। मैं वीडियोस क्या होता है ना, मेरे सामने कोई चीज होती है, मैं खुद किसी चीज पे काम कर रही होती तो अचानक मुझे हो जाता है कि मैं अभी आपके सामने चली जाऊं, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं होता कि मेरे को स्क्रिप्ट तैयार करके आपके सामने आना है। तो स्पॉन्टेनियस एक होता है, जैसे ही मुझे लगता है कि मुझे आपके सामने आना चाहिए, कुछ अभी बता सकती हूँ, तो मैं इमिजिएटली उस समय सामने आ जाती हूँ। तो मुझे याद रहेगा अगली बार बताने का कुछ और यहाँ के बारे में, तो मैं अवश्य बताऊंगी। थैंक यू सो मच। मुझे आपको कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्ट मेल करें, अपने फोन नंबर यहाँ पोस्ट ना करें, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मेरा मेल आईडी iamshivanidurga@gmail.com है, फोन नंबर 9820815434 है, मैं हर बार देती रहती हूँ। आप iwcvt@yahoo.com पर भी मेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल हो सकता है किसी के लिए, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वैसे मैं शेयर करवाना पसंद नहीं करती अपने वीडियोस, आप करते हैं, आप सभी का धन्यवाद। मैं बोल के कोई चीज करवाना पसंद नहीं करती। हाँ, राष्ट्र से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए कुछ जो होते हैं उनको हम जरूर, मैं बोलती हूँ कि इसे शेयर करें, बट इस तरह के वीडियोज जो पर्सनल वीडियोज होते हैं, इस तरह के मैं नहीं कहती कि आप इसे शेयर करें। आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर करें, अन्यथा आप एटलीस्ट आप इस्तेमाल करके इसका फायदा लें। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। जय भवानी, जय भारत, जय अखंड भारत।